अरे अरे आप देख लो, बोलो हाय भाई। हाय क्या हाल चाल? बम बोले बम, बम बोले बम, बोले बम भाई जी। ओए कंबल गिला भाई जी यार। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SPT व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी भाई बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस हम कर रहे हैं अमरनाथ की यात्रा। कल हमारे दर्शन हो चुके थे, आज हम वापसी जा रहे हैं पहलगाम के लिए। वैसे कुछ लोग जो यात्रा करते हैं ना, पहलगाम से स्टार्ट करते हैं, बालटाल की तरफ उतर जाते हैं, बट हमने जहाँ से स्टार्ट करी थी हम उसी तरफ जा रहे हैं। बट यार एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे, चढ़ाई और बर्फ। हाँ जो ताज़ा बर्फ हुई है ना कल रात को, बर्फ हुई है, स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। एक बार तो ना यहाँ के जो गेट हैं दोनों तरफ बंद कर दिए थे, जो यहाँ थे उनको यहीं रोका था। फिर 8 बजे 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास खुला है, तब हम रवाना हुए। तो अपने कुछ भाई लोग आगे तरफ चल रहे हैं, एक भाई अपने साथ है और हम तो आपके सामने हैं ही हमेशा से। चले भाई करें स्टार्ट। चलो भाई जय करा वीर बजरंगी हर महादेव। भाई इससे पहले कल वाली जो स्नोफॉल गिरी है ना ऊपर की तरफ वो दिखाएं, उससे पहले देख लो हाल क्या हुआ है। कीचड़ कीचड़ भाई बिल्कुल, ये बारिश का रीजन है। घोड़े खच्चर चले हैं पूरा ऐसा हो गया, इस पे चलने में भाई मुश्किल बहुत होती है, फिसलने का डर रहता है। और ये देख रहे हो ये कल पंडित जी ने ना अपने साथ वालों को दिया था और अपने को भी कुछ दिया, वो बैग में रखा हुआ है। तो इस तरह का भोले बाबा का प्रसाद मिला है हमें, आशीर्वाद मिला है, प्रसाद में आशीर्वाद है भोले बाबा का, जिसको हम लाइफ टाइम रखेंगे अपने पास में। यार मौसम तो ना अब भी थोड़ा थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, और उस पहाड़ पर जो आप देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ वो भाई कल रात में गिरी है। फ्रेश सुनो देखो, आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, देखने में अलग। तो ऐसा कुछ माहौल भी हो जाता है कभी भी। वो कल की है पता तुम्हें? वो देखो भाई महादेव के दर्शन कर लो, वो ताजा दर वो स्नोफॉल, वो देखो कोने में देखो महादेव दिख रहे हैं, वो बैठे हैं वो नजर ना। हाँ वो देखो सही है भाई, नज़ारे तो हैं, नज़ारे आते हैं भाई, मज़ा आता है। और हेलीकॉप्टर वगैरह भी एक दो चलने लगे, अगर सारे चल गए तो यात्रा फिर से खुल जाएगी। यहाँ भी भाई बर्फ बर्फ का अलाउंस का डर है थोड़ा बहुत, इस वाले रास्ते में ज़्यादा ही उसमें कम है। हर महादेव भाई अब। हाँ जी भाई जी ये देखो भाई, जरूर करेंगे भाई जी, हर महादेव जी, हर महादेव। ये भाई रास्ता देखो आप, इस रास्ते में कैसे आ रहे हैं, पत्थरों के बीच से निकल कर आ रहे हैं, कुछ उधर से कुछ इधर से, कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जहाँ से भी उतरो उतर जाओ भाई। और इसमें से हम उतरे थे, अभी चढ़ना है हमें ये रास्ता, टफ रहेगा जाना भाई, सही में थोड़ा सा टफ रहेगा, ज़्यादा तो नहीं, बट ये नज़ारा देखने बनता है भाई। आते टाइम नहीं देख पाए थे क्योंकि भगे भगे गए थे, जाते टाइम आराम से देखते हुए जा रहे हैं। और उस तरफ देखो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं भी शायद आपको दिखे, वहाँ पे ना भेड़ बकरी वाले ऊपर चढ़ा रहे हैं भाई, इतनी ऊपर कैसे चढ़ते हैं यार वो देख के ही सोचना पड़ जाता है कि इतनी ऊपर कैसे चढ़े वो। सही है भाई, चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यूँ ऊपर की तरफ जाते हैं भाई। ऊपर से आते हुए लोग दिख रहे हैं आपको, सीधा चढ़ना है, सांस फूलने लग गया इसको देख के, मन कर रहा है इस चढ़ाई चढ़ाई कैसी है चढ़ाई देखो सी कितने ऊपर तक जाना है यार। चल भाई बैठा क्यों, थक गया हाँ, हवा टाइट होली, रुक रुक के चलेंगे, ये सोच रहे हैं कि रुक रुक के चले हैं, चल चल के रुके हैं हो गया यार। तो भी मौसम अभी है ना खराब से होने लग गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे ना एक ऐसा शेल्टर से बना था, रेन शेल्टर, तो वहाँ पे हैं सभी अभी पहनेंगे भाई, जैकेट वगैरह जो भी इनको पहनना है उन्होंने तो पहन लिया, ये छतरी खोल लिया, और अपन भी भूतनाथ टाइप कुछ बंद हो गया। ठीक है जी अभी आगे निकलेंगे, बारिश बस ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत हो रही है उससे बचाएंगे, ज़्यादा हो जाएगी ना फिर ठंड लगने लग जाएगी, अभी तो बर्फ़ वाले ग्लेशियर वाला रास्ता आना बाकी है भाई। घोड़ा वाला देखो यार इस पर ना कितने बैग बांध रहे, घोड़ा भी परेशान है कि सामान बांध है कि क्या मार दिया मेरे को, देखे ना बैग इतने भाई, ज्यादा ना मान दिए। अरे अरे आप देख लो, बोलो हाय भाई। हाय क्या हाल चाल? बम बोले बम क्या बात है भाई, का ये घोड़ा इतने बैग बांध रखे यार भाई ने, वो लटके हुए ना इससे ज्यादा लग रहे हैं, वैसे वजन ज्यादा नहीं उसमें भाई। घोड़े वालों के लिए देखो कितना ज्यादा टफ है, घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा टफ है यार, पत्थर पत्थर पे चढ़ना देखो सीधा सीधा, साथ में पानी, साइड में ये रास्ता बना रखा है पैदल वालों के लिए। तो ज्यादातर लोग है ना फिर भी घोड़े पे यात्रा करते हैं, चाहे कितनी परेशानी हो घोड़ों को वो ना छोड़ते भाई घोड़े। घोड़े बाबा से विनती है बस ये थिंक हमारे अंदर कभी ना आए, बाकी सब ठीक है, चल गए थे अभी गिरते गिरते बच गए। तो ये रास्ते हमारे और रास्ते घोड़ों के, ऊपर से आने वाले जो है ना जो भाई यात्रा के लिए जा रहे हैं बहुत कम है, जो पैदल जा रहे हैं ज़्यादातर घोड़ों पर दिख रहे हैं सारे के सारे, पैदल तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना वही हैं सिर्फ, जवान वो देखो वो जवान वहाँ जा रहे हैं जवान, और यहाँ भी जा रहे हैं जवान भाई। सुबह से ना
लगातार मौसम खराब था, रेनकोट भी पहनना पड़ गया, बारिश भी हुई थोड़ी देर, बट अभी है ना फिर से मौसम थोड़ा सा खुला है तो हेलीकॉप्टर वगैरह स्टार्ट हुए हैं। और ऊपर से आज भाई देख रहा हूँ पैदल चलने वाले कम हैं, घोड़े वाले ज़्यादा आ रहे हैं और हमको पहले पहले वहाँ पहुँचना है, वहाँ मिलेंगे भंडारा जहाँ पे कुछ खाएंगे। ये आ गया हेलीकॉप्टर हो जा रहा पहुँचते भाई, कुछ खाते हैं, सुबह से ना बहुत कम खाया, कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा चाय वाय पिया था, बाकी खाया कुछ नहीं था। तो वहाँ जाके फिर से वही भाई 125 या कुछ बन वो थे रन कितने थे वही खाएंगे भाई, बहुत है भाई खाने को, समझ लो आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने आ रहे हो ना, तो दो चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी, खाने की और पीने की, पानी और अन्न हर जगह मिलेगा, जहाँ आपने सोच लिया वहाँ हाजिर है आपके लिए, इतनी ज़्यादा व्यवस्था है भाई। फाइनली पहुँच गए अपन पोस्टपत्र वाले भंडारे तक और ऐसा कुछ नज़ारा भाई, अभी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, आज शायद मौसम ख़राब है ना इसके लिए कम आ रहे हैं यात्री, हो सकता है नीचे रोक दिया हूँ, बाकी भाई कल उधर चढ़ने का प्लान चल रहा है हमारा, हो सकता है आज ही जाएँ, बाकी कल तो उधर पक्का वो जो चोटियाँ दिख रही है ना वहाँ जाएंगे भाई। भंडारे से पहले है ना इस तरफ देखो, देख रहे हो आप आई लव महादेव बहुत ही शानदार लिखा हुआ है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और खाना पीना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, अगर अपने साथ वालों को प्लान रहेगा कि आगे निकलना है तो आज ही आगे निकल जाएंगे, नहीं तो आज यहाँ स्टे करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी भाई मैंने, जो घोड़े खच्चर वाले हैं ना उनके लिए भी यहाँ पे भंडारा है भाई, बाहर की तरफ आप देखोगे ना वो देखो सामने खा रहे हैं, तो उधर की तरफ भंडारा लगा हुआ है, तो सबके लिए ये भंडारा है। और ये भंडारा है क्या, ये भंडारा विशाल भंडारा है भाई, सही में ऐसा भंडारा कहीं भी नहीं देखोगे, हमने नहीं देखा अभी तक, यही देखा सिर्फ कर रखा है भाई घोड़े वालों के लिए, जो घोड़े खच्चर चलाते ना उनके लिए खाने की व्यवस्था इस तरफ है, और मेन भंडारा जो है यात्रियों के लिए वो उस तरफ है। जैसे वगैरह भाई जो भोले बाबा का त्रिशूल लेके पूरी यात्रा करते हैं, पूरे पैदल कहाँ से आए? पूरे पैदल कहाँ से? श्री गंगानगर राजस्थान से। राजस्थान से? आप भी राजस्थान से? बीकानेर से। अच्छा बीकानेर से। जय भोलेनाथ, जय जी भोले बाबा, सबके मनोभावना पूरी करें। जय भोले, जय भोले की जी। ये है वो जगह जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं, और ये मतलब डॉर्मेटरी टाइप बना रखे हैं, और भाई सुविधा इतनी अच्छी कर रखी है ना, एक बेड एक उसमें हॉल में ना जो बना रखे हैं, हट बना रखे हैं, दो हिस्से तो होंगे बट एक हट में ना 150 बंदे आ रहे हैं, 25-25 की लाइन ये बनी हुई है, 25-25 की लाइन ये बनी है, और अपने सारे लोंडे ये रहे, ये पता है किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, खाने का तो वेट नहीं कर रहे, आपको लग ही रहा होगा, ओ भाई भिख मंगी हो तो क्यों बैठे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ओ भाई जो ये वाली कमर आपने चाहिए नई वाली, हाँ जो आजो आजो रहेगी भाई, नई वाली कंबल लेके नु कर रहे हैं यार, तो दूसरी मिलेगी है, मिलेगी किस्मत वाले, किस्मत में पुरानी वाली है भाई हमारे। और भाई इधर की रूम है ना रात में कुछ भी नहीं है, देखो नीचे वो देखो क्या लग रहा है, सीधे दो हिस्से जाने दो उसमें, देखिए ना दो हिस्से तेजाब में सीधा, बोलो हाय, हेलो ब्रो, हेलो से हाय, हाय ब्रो, हेलो, ना ना अंक मेरे मुँह से निकल जाएगी वीडियो में ना, मेरे वीडियो के अंदर भी मुझे निकल जाए वो बात पुरानी आ गई भाई, नहीं लेनी कहने के बाद ना हमने रेस्ट किया, अभी रुकने का ही प्लान कर लिया था, हमारे में से एक बंदा जो पीछे रहता है वो आगे चला गया, डॉक्टर साहब आगे चले गए आज पता नहीं कैसे, आप फोन कर रहे हैं भाई तुम बड़े आरामी हो, बताते हुए ना मैंने कहा तू बोल के गया किसी को, तो आगे वो शेषनाग में और हम आए, कल उनसे मिल लेंगे फिर आगे निकलेंगे, वो आगे नहीं 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 आए, नहीं 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 आए, ओ भाई यार नए वाले कंबल आ रहे, तुम मांग नहीं रहे यार, अद्दे यार बाबा पुरानी में सोना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ओ भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी हाँ ये वाली, ये वाली, ये वाली, अरे नहीं उधर दो, उधर दो, ये दो इधर, नहीं नहीं कैसे लड़ रहे हैं देख लो कुत्तों, मैं नहीं लड़ रहा भाई ईमानदारी से मैंने अपने लिए, ठीक है थोड़ी बार बस ले लिए भी हो गया, हो गया साले कंबल के लिए, इस कंबल के लिए नया एक पुराना, इस कंबल के लिए लड़ाई हो रही है, जो कंबल आएगा देखना देखना, ये भाई पागल पागल हो गए,
कंबल की लड़ाई हो रही भाई। भाई जी मत दो, हो गए पूरे हो गए भाई जी। हां भाई जी जमा करवाने हैं। ओ भाई जी बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोई नहीं पिएगा, ठीक है भाई जी। ओए कंबल गीला भाई जी, यार देखो यार क्या करता यार, देखो जरा ये क्या कर दिया यार। छोड़ो ना। हाँ छोड़े लो जी, है ना गीला है ना। हाँ गीला भाई यार, यार मैं इतनी सी जगह से गीला है क्या, कारण क्या है। मुझे ले गए तुम, सॉरी बाबा। ये क्या बात है भाई, दोस्ती होगी अभी लड़ रहे थे गमलों के लिए। नहीं नहीं मिल गए। गुड नाइट, जय श्री राम, जय भोले। भाई यार सही में बताऊँ बहुत मस्त बंदे यार, कॉमेडियन बंदे हैं, मजा से दिला दिया भाई, मजा दिला दिया। कोई बात का बुरा नहीं मानते भाई, इतने मतलब तरीके से ना सेवा भाव यार सही में। और ये जो रुकने की व्यवस्था है ना, ये किन की तरफ से रुकने की व्यवस्था आप ही बता दो भाई लोगों, ये व्यवस्था किसकी तरफ से है। भंडारे वालों की तरफ से है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो दिल्ली वाला भंडारा है ना, जो पोस्टपत्री में इकलौता भंडारा, उनकी तरफ से भाई। सही में यार एक नंबर काम कर रखा है, मतलब देखा जाए ना तो जो श्राइन बोर्ड है ना वो भी इतना काम निकले जितना भाई इन्होंने कर रखा है। सैल्यूट है भाई, करते हैं लोग आगे बढ़ बढ़ के लोगों की सेवा भाव में आज भी रुचि रखते हैं। लवेरिया नाम की बीमारी है, दिखाओ ना डॉक्टर के यार, ये डॉक्टर की व्यवस्था है आपके पास यार। हर हर महादेव। ओ भाई आज तो अगले लेवल के मजा आ रहे, नेक्स्ट लेवल के मजा आ रहे आज तो। सही समझ गया, देखते समझ गया। कह रहा इसके कोई इलाज नहीं है भाई, इसमें जो गया वो मर गया, नेट नहीं चल रहा, बहुत दलदल में समा समा गया वो, समझ गया नेट नहीं चल रहा है, इसीलिए नेट बंद करा आज। तो भाई सोने से पहले लास्ट चेक करा, बोले रे तेरी बम बम बम, बोले नचेंगे तेरे संग संग संग, बोले आए हैं तेरे दर दर दर, बोले हर महादेव। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे।